Assalamualaikum students, hope you are fine. I am Miss Maha Mamanat, your new assistant teacher. Hope you are fine. Last time हमने chapter number 2 start किया था climate region of the Muslim world और हमने tropical grassland तक इसकी reading कर ली थी और हम start करेंगे next topic that is tropical forest. So let's start reading. In the Muslim world, these are found in Central Africa along the equator and in Southeast Asia. There is a heavy rain about 1800 to 2500 millimeter or more and the temperature remain between 20 to 30 degrees Celsius all year. मुस्लिम दुनिया में ये वाला जो इलाका है ये अफ्रीका के दरमियान में और इसके क्वार्टर में और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं, तकरीबन 1800 से 2500 मिलीमीटर हर साल, और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है पूरे साल में. नेचुरली देर इज़ अ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज विद अ क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप बिलो. इट इज़ अ सेमी डार्कनेस विद ग्रीन क्रीपर्स स्विंग अप द ट्री ट्रंक टू ईच reach the sunlight above. The main stem of some creepers can be as much as 30 to 40 centimeter in a diameter. कुदरती तौर पर ये फैला हुआ जंगल है जहाँ पर लंबी दरबे दरख्ते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते हैं ऊंचे तक, और यहाँ पर जंगल के नीचे में एक हल्का सा हमेशा अंधेरा रहता है और उसकी जंगल के दरख्तों की शाखें इतनी फैली हुई हैं 30 to 40 centimeter diameter तक, और जो सूरज की रोशनी है वो जंगल के ऊपर तक रहती है. द मेन फॉर्म ऑफ लाइफ फाउंड हेयर आर बर्ड एंड मंकी इन द कैनोपी. कैनोपी मीन द लीव्स एट द टॉप एंड स्नैक्स लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स बिलो. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी वेरिएबल फॉर टिम्बर सच एज टीक फॉरेस्ट क्लियर सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड. और इस जंगल में जो आम तौर पर जिंदगी पाई जाती है वो है परिंदे और मंकी जो कि दरख्तों के ऊपर रहते हैं, और स्नैक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, बाकी कीड़े मकोड़े हैं. और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जंग लकड़ियों के सामान बनाने के लिए. वेयर दिस हैव बीन कट डाउन एंड द फॉरेस्ट क्लियर शुगर कैन कोका रबर मैंगोज पाइनएप्पल एंड द ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन. और जहाँ से ये दरख्तें काटी जाती हैं और जंगल को क्लियर किया जाता है वहाँ पर फिर गन्ने कोका रबर मैंगोज आम पाइनएप्पल्स और बाकी जो फ्रूट्स हैं वो उगाए जाते हैं. बिकॉज ऑफ द हीट एंड द मॉइस्ट एटमोसफेयर द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्थी. और वहाँ पर एटमॉस्फेयर गंदा होने की वजह से यानी कि ना साफ होने की वजह से हमेशा वो गीला रहता है क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है. इसकी वजह से ये फॉरेस्ट अनहेल्दी है. द मैनी डिजीज डेज अफेक्ट वुमेन एंड एनिमल्स. और वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ पाई जाती हैं जो कि इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदायक है. मैनी ऑफ दिस सच एस मलेरिया आर कैरिड बाई इंसेक्ट्स. और इनमें जो आमतौर पर है वो मलेरिया बीमारी है जो कि इंसेक्ट से पैदा होती है. हाउ एवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी important both for the plants and the for replenish the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. लेकिन जो भी हो ये बारिश वाले जंगलात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए भी, और हवा को साफ करने के लिए भी, ऑक्सीजन देने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए. Although not in the Muslim world, the great Amazon forest in South America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen. मुस्लिम दुनिया को छोड़ के जो अमेजन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अफ्रीका में है वहाँ पर ये माना जाता है कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो आधी ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो अमेजन फॉरेस्ट से हासिल होती है उनको. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेम्परेट डेजर्ट. दीज आर ड्राई लैंड्स गेटिंग 50 to 300 मिलीमीटर रेन आर एयर बट नॉट एज वार्म एज द हॉट डेजर्ट. इन द मुस्लिम वर्ल्ड मोस्ट ऑफ ईरान अफगानिस्तान द सेंट्रल एशिया स्टेट एंड द पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेट रीजन. ये सूखे हुए ज़मीनें होती हैं और यहाँ पर 50 से 300 मिलीमीटर बारिश होती है हर साल, लेकिन इतना गर्म नहीं होता जितना गर्म सहरा इलाके होते हैं. और मुस्लिम दुनिया जैसे कि ईरान है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बाकी पाकिस्तान के हिस्से हैं, वहाँ का जो मौसमियात है वो इस रीजन से बिलोंग करता है. नेचुरली यानी कि कुदरती तौर पर दे हैव स्मॉल ट्रीज, वहाँ पर छोटी दरख्त होती हैं स्पेशली खास तौर पर अकेसिया एंड सेसिया विद मैनी कोर्स प्लांट्स एंड ग्रासेस. वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स और घास वगैरह होती है. ट्रेडिशनल दिस लैंड्स हैव बीन द रीजन ऑफ नॉमेडिक पीपल विद देयर लैंड एंड हर्ड्स ऑफ एनिमल्स. और माशरती तौर पर ये ज़मीनें लोगों की जो लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए लेके आते हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है. वो यहाँ पर अपने मवेशियों को लाकर चलाते हैं. टुडे विद मच इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन मैनी आर ग्रोइंग रीजनेबल क्रॉप्स. और आजकल ज़्यादातर जो है आबपाशी और ज़खीरे ज़मीन होने की वजह से यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं. अजबाकिस्तान द वॉल ऑफ विच इज टेम्परेट डेजर्ट. अजबाकिस्तान जो कि पूरा का पूरा एक टेम्परेट डेजर्ट है यानी कि कुछ वक्त के लिए जो वहाँ पर सहरा है यानी कि वो परमानेंट नहीं रहता. इन द इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड. और वह पाकिस्तान में पाँचवें नंबर पर सबसे ज़्यादा कॉटन उगाने वाला इलाका है. आल्सो दिस हैज़ ऑलमोस्ट ड्रेन द कैप्सियन सी फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ बीन टेकन. और ये ज़्यादातर पानी कैप्सियन सी से लेता है.
पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान नेचुरली फेल इनटू द कैटेगरी बट इरीगेशन फ्रॉम द रिवर एंड ट्यूब्स वेल हैव टर्न देम इनटू रीजनेबल फार्मलैंड। पाकिस्तान का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कुदरती तौर पर इसी कैटेगरी में आता है, यानी कि इसी तरह से ड्राई है, लेकिन वहाँ पर रिवर और ट्यूबवेल्स की वजह से आबपाशी होने की वजह से वहाँ पर हम लोग फसल वगैरह उगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। दिस इज़ वेरी फेवरेबल क्लाइमेट विद माइल्ड वेट विंटर एंड फेयरली वार्म ड्राई समर। ये बहुत पसंद किया जाने वाला मौसम होता है, जहाँ पर विंटर भी नॉर्मल रहता है और वहाँ पर ज़्यादा गर्म भी नहीं होता समर। और अनफॉर्चुनेटली द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज़ नॉट वेरी वाइडस्प्रेड बट इट फॉर्म्स अ नैरो बेल्ट अराउंड द शोर्स ऑफ अ मेडिटेरेनियन। बदकिस्मती से ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, ये बहुत नैरो है, यानी कि बहुत एक मखसूस जगह तक फैला हुआ है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन सी समंदर के किनारे पर यानी कि इसके सहराओं पर आसपास एक बेल्ट की तरह फैला हुआ है, यानी कि ये ज़्यादा वाइड नहीं, यानी कि फैला हुआ नहीं है, ये एक नैरो यानी कि एक जगह तक महदूद है। द कोस्टल एरिया ऑफ मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, सीरिया, टर्की एंड लिबानियन इन्जॉय दिस रिच क्लाइमेट। अब ये मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, सीरिया, टर्की और लिबानियन जैसे जो इलाके हैं वो ऐसे मौसम को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दे प्रोड्यूस ग्रेप्स, किट्रस एंड मैनी अदर फ्रूट्स, ओलिवस, टोबैकोस, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ये अंगूर, सिट्रस और बाकी जो फ्रूट्स हैं जैसे कि ओलिव, टोबैको और सब्जियां वगैरह और ज़्यादा फूल वगैरह उगाते हैं। मोस्ट ऑफ दिस अमंग द हाइस्ट प्राइस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस यानी कि सबसे ज़्यादा महंगे उगाए जाने वाले फल और सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स और ख़ासतौर पर सब्जियाँ और फूल वगैरह। एंड आल्सो फ्लोन टू द रिच मार्केट ऑफ नॉर्थन यूरोप। और नॉर्थन यूरोप में सबसे ज़्यादा यानी कि रिच यानी कि सबसे ज़्यादा महंगी मार्केट वहाँ पर जिसकी वजह से खोली होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है आल्थोट इट इज़ नॉट अ ट्रू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान ग्रोस सिमिलर क्रॉप्स। लेकिन ये ट्रू नहीं है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में किस तरह वहीं पर, क्योंकि जो बलोचिस्तान नॉर्थ वेस्ट की तरफ बलोचिस्तान का हिस्सा है वो भी इसी तरह की फसलें उगाता है। तो यह आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, तो आपने इसको एक दफ़ा खुद से रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बी सेफ एंड स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़।